हेलो गाइस, यहाँ पे स्टार बस टाटा की देख सकते हैं जो ईवी सिग्नल्स के अंदर दिया गया है, और हाइड्रोजन टैंक्स फ्यूल का भी काम किया गया है इसमें, जो हाइड्रोजन के आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्यूल चल रहा है। और यहाँ पे आपने टाटा मोटर्स ने इस व्हीकल्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन का यूज़ किया गया है, जो 35 सीटर्स के अंदर यहाँ पे लॉन्चिंग की गई है, एक प्लस ड्राइवर। और इसके अंदर आपको एमरजेंसी एंड यहाँ पे कोई अपाइस वगैरह के लिए भी इसमें इंस्टॉल की गई है सीट अलग से, और जिसके द्वारा कैसे उठाना है तो आइए हम इसमें सारी चीज़ें बताते हैं अंदर की ओर से। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर से स्टार्ट करते हैं हम, जो इंटीरियर कह सकते हैं, जिसके अंदर MID के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जिसके द्वारा ड्राइवर अपने सारे पैसेंजर को यहाँ पे सिटी ऑप्शंस में बसें के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले दे रखी है, और डिस्प्ले के अंदर भी ऐसे कंट्रोल स्विच दे रखे हैं। इसमें दो मॉडल्स को लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाले दोनों मॉडल्स को यहाँ पे हमने बताया गया है। और यहाँ पे आपको अलार्म एक स्पीकर दिया गया है, जिसके अंदर आप अलर्ट कर सकते हैं अंदर ही अंदर। और यहाँ पे आपको ये 35 सीटर्स के अंदर मिलने वाला है ये इलेक्ट्रिक सिटी बस, जिसके अंदर हैंडल्स देख सकते हैं आप, जो काफ़ी सीट में ही फिटिंग की गई है। एयर बैग्स मतलब एयर कूलिंग बस दी गई है, जिसके द्वारा AC का पूरा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप तमाम सारा सामान रख सकते हैं। आप पीछे की ओर काफ़ी स्पेस दिया गया है, एक नहीं तीन तीन कैमरेज का भी यूज़ किया गया है, जो आपातकालीन में जेब पत्रों से सावधान रहने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ये है एमरजेंसी स्विच वाली सीट, जिसके द्वारा अफाइस वगैरह को आसानी से नीचे से ऊपर की ओर आप ला सकते हैं। और किसी को बॉडी के लिए भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हमने यहाँ पे सर से पूछा है इस सीट का कैसे उपयोग करते हैं, तो काफ़ी आसानी है, यहाँ से आप एमरजेंसी द्वार खोल के इसको आपातकालीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक नहीं तीन तीन डोर वाइजर दिया है, एक एमरजेंसी स्विच एंड यहाँ पर दो डोर वाइजर अलग से दिए गए हैं। और काफ़ी लंबी वाली सिटी बस, जो 12 मीटर्स की लंबाई में, और यहाँ पर आपको ओवल बीम एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो टेल लाइट के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, नीचे कैमरे सर्विस वाले दे रखे हैं, और पार्किंग सेंसर 5-5 मिलने वाले हैं आपको, जिसके द्वारा आसानी से ये EV बस को आप रिवर्स लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको एयर कूलिंग वाली सिस्टम वाली चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको व्हील बेस मिलने वाला है 6300 का, जो काफ़ी बड़ा व्हील बेस होता है गाड़ी को। मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 245, और एक बार चार्ज होने पर यह 300 किलोमीटर चलने वाली है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप ही के चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में स्वागत करते हैं। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का न्यू ब्रांडिंग बस देखने को मिलेगा, जो हाइड्रोजन टैंक्स के साथ इसका काम करने वाला है। ये न्यू टेक्नोलॉजी का फ्यूल के साथ में यहाँ पे इसका EV इलेक्ट्रिक बस का उपयोग किया गया है, और ये सिटी बस का व्हीकल्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो 35 सीटर के साथ में प्लस ड्राइवर। यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्विच और दो डोर वाइजर मिलेंगे। ये जो है सिटी बस के ऑप्शंस भी दिया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पे एयर कूलिंग, यहाँ पे इंटीरियर के अंदर आपको एक नहीं दो दो डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स एंड कंट्रोल स्विच वगैरह सारे इंटीरियर के ऊपर ढेर सारे ऐसे फंक्शन को यूज़ किया गया है, जिसमें सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान दी गई है टाटा मोटर्स के ये व्हीकल्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल्स वगैरह काफ़ी खूबसूरती के साथ में, इसकी डैशबोर्ड देख सकते हैं आप, जो काफ़ी इंटीरियर को सजाया गया है। 35 प्लस एक ड्राइवर एंड 4x11-2 के ऑप्शंस भी दी गई है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक EV हाइड्रोजन एंड टैंक्स के साथ में दिया गया है। तो इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और 2023 के अंदर टाटा मोटर्स ने काफ़ी खूबसूरती के साथ में इस व्हीकल्स के अंदर अपने ढेर सारे ऐसे फंक्शंस को यूज़ किया गया है, जिसके द्वारा इस बस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी एंड यहाँ पे फीचर्स को अपडेट के साथ में और पैसेंजर वगैरह को आसानी प्राप्त हो। और इसमें आपको सीट मिलने वाली है जो फाइब्रिक की बोलते हैं, जिसके द्वारा काफ़ी कुशिंग वाली सीटें रहती हैं, जिसके द्वारा आरामदायक होती है। और मिलते हैं नए वीडियो के बाद एक बार, धन्यवाद।